निज भाव निर्मल करन को जिन भर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। हमारी चर्चा नए चक्र में लास्ट क्लास मतलब कल हमने व्यवहार नय के भेद प्रभेदों वाला पार्ट पूरा किया था, और अब उसके बाद व्यवहार नय के प्रश्नोत्तर वाला पार्ट हमारा प्रारंभ होगा। हाँ, तो व्यवहार नय कुछ प्रश्नोत्तर वाला चैप्टर अभी हम प्रारंभ करते हैं। व्यवहार नय के भेदों को हमने देखा था कि चार भेद थे। पहले तो सद्भुत और असद्भुत भेद किए, और उनके भी दो दो भेद किए, उपचरित अनुपचरित, ऐसे सद्भुत के भी और असद्भुत के भी दो भेद किए थे। अब व्यवहार नय के संबंध में कुछ प्रश्न उत्तर ये विषय प्रारंभ हो रहा है, सो हम पढ़ते हैं। देखिए, व्यवहार नय और उसके भेद प्रभेदों की विस्तृत चर्चा के उपरांत भी कुछ सहज जिज्ञासाएं शेष रह जाती हैं, जिन्हें यहाँ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से स्पष्ट कर देना समीचीन होगा। पहला प्रश्न, एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए गुण भेद आदि भेद दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभाव रूप न होकर अतत भाव रूप होते हैं। उक्त कथन में समागत अतत भाव रूप अभाव की चर्चा कहीं आगम में भी आती है क्या? देखो, ये अभी जब आया था तो हमने इसको थोड़ा सा देखा था। अतद भाव की चर्चा जब आई थी ना, मतलब एक ही वस्तु में अलग-अलग गुण है, तो वस्तु तो एक ही है, तो एक तरह से देखो एक ही द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न और अंश, अंश बोले प्रदेश रूप में अंश नहीं, भाव रूप में अंश, कि एक ज्ञान गुण है, एक दर्शन गुण है, या फिर कोई गुण है, कुछ पर्याय है, तो वो वस्तु में पाए जाने वाले अंश हो गए। तो यहाँ पे जो बात की थी, एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए गुण भेद पर्याय भेद आदि भेद, मतलब यहाँ गुण भेद आदि लिया ना, तो आदि में पर्याय भेद भी ले लेना, धर्म भेद भी ले लेना, जो भी भेद संभव है सब ले लेना। तो वो दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद जैसे नहीं है, फिर कैसे कि अतद भाव रूप होते हैं? तो यहाँ प्रश्न ये क्या कि अतद भाव की चर्चा आगम में कहाँ पर आती है? तो उसका उत्तर, हाँ, आती है। प्रवचन सार में इस विषय को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। वहां अभाव को स्पष्ट रूप से दो प्रकार का बताया गया है, पृथकत्व लक्षण और अन्यत्व लक्षण। तो अभाव के दो, सबसे पहले तो अभाव को दो प्रकार का बताया वहां पर, पहला पृथकत्व और दूसरा अन्यत्व। ये बहुत अच्छी चर्चा है। आप प्रवचन सार जी में देखोगे तो आगे पीछे की जो गाथाएं हैं उनसे लिंक करके देखोगे तो पूरा विषय है। वहां पे वस्तु का स्वरूप बताया, मतलब ये पूरी चर्चा है गेय अधिकार में, कि 93 नंबर की गाथा, 92 नंबर तक की गाथा तो हो गई, क्या बोलते हैं, ज्ञान अधिकार, ठीक है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में। जब 93 नंबर की गाथा से गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चालू हुआ तो वहां पे वस्तु का स्वरूप बताया, तो द्रव्य गुण पर्याय द्रव्यात्मक ऐसा वस्तु का स्वरूप वहां पे बताया। तो ये बात पूरी चली, द्रव्य का स्वरूप क्या है, मतलब वस्तु का स्वरूप कैसा है। तो फिर विश्व में एक ही द्रव्य नहीं पाया जाता, अनेक द्रव्य पाए जाते, और जो द्रव्य पाया जाता है उसका भी कुछ स्वभाव होता है, वो भी उत्पाद व द्रव्यात्मक होता है, ठीक है, उसमें भी गुण पर्याय द्रव्यम, वो भी गुणों वाला होता है और गुणों की पर्याय होती है, कि पूरी चर्चा वहां पे आई है। तो जब ये पूरी बात आई तब वहां पे दो तरह के अभाव की बात आई थी, उसके बाद भी पृथकत्व लक्षण और अन्यत्व लक्षण। इन दोनों प्रकार के अभावों के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली गाथा इस प्रकार है। पविभत्त पदे सत्तम पुधत् मिदि शासनम ही वीरस अणत्त मत भावो
तद्भवम होदिकध मेघम। विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व है और अतद्भाव अन्यत्व है, क्योंकि जो उस रूप ना हो वह एक कैसे हो सकता है, ऐसा भगवान महावीर का उपदेश है। देखो दोनों का एक एक शब्द में वो बता दिया, पृथकत्व और अन्यत्व लक्षण वाले दो प्रकार के अभाव बताएं। तो पृथकत्व का लक्षण बताया विभक्त प्रदेशत्व, मतलब जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रदेश हो वहां तो पृथकत्व है, और जहाँ पे अतद भाव हो वहां पे अन्यत्व है। अन्यत्व लक्षण वाला अभाव कहाँ पे, जहाँ पे अन्यत्व है, अन्य अन्य पनासो अतद भाव और पृथक पनासो मतलब विभक्त प्रदेशत्व, भिन्न प्रदेशी पना होना सो पृथकत्व बात है। अब देखो उसको और डिटेल करेंगे। इस गाथा की संस्कृत टीका में इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है तथा तो आगे पीछे की गाथाओं में भी इससे संबंधित चर्चाएं हैं जो मूलतः पठनी है, सबको यहाँ देना संभव नहीं है। जिज्ञासु पाठकों से अनुरोध है उक्त विषय का अध्ययन मूल ग्रंथ में से अवश्य करें। विषय की स्पष्टता की दृष्टि से सामान्य पाठकों की जानकारी के लिए उक्त गाथा का भावार्थ यहाँ दे देना उचित प्रतीत होता है। तो यहाँ पे उसका भावार्थ दे रहे हैं। देखिए भिन्न प्रदेशत्व वह पृथकत्व का लक्षण है और अतद्भाव वह अन्यत्व का लक्षण है। द्रव्य में और गुण में पृथकत्व नहीं है फिर भी अन्यत्व है, ठीक है। देखो ये विषय लिंक करते जाना, द्रव्य में और गुण में, तो द्रव्य और गुण में पृथकत्व नहीं है, पृथकत्व नहीं है अर्थात वहां पे भिन्न प्रदेश नहीं है, मतलब द्रव्य के प्रदेश भिन्न और गुण के प्रदेश भिन्न, ऐसा नहीं है। फिर क्या है कि उनमें अन्यत्व है, अन्यत्व मतलब द्रव्य का स्वभाव कुछ, मतलब द्रव्य का स्वरूप कुछ और है और गुणों का स्वरूप कुछ और है। तो यही प्रश्न किया है कि जो अपृथक होते हैं, अपृथक होते हैं मतलब जो पृथक नहीं होते हैं अर्थात जिनके प्रदेश भिन्न नहीं होते, ठीक है, जो अपृथक होते हैं उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखो बड़ा अच्छा दिया है उदाहरण के साथ। उत्तर, उनमें वस्त्र और शुभ्रता अर्थात सफेदी की भांति अन्यत्व हो सकता है। वस्त्र के और उसकी शुभ्रता के प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है इसलिए उनमें पृथकत्व नहीं है। ऐसा होने पर भी शुभ्रता तो मात्र आंखों से ही दिखाई देती है, जीव नाक आदि शेष इंद्रियों से ज्ञात नहीं होती, और वस्त्र पांचों इंद्रियों से ज्ञात होता है। इसलिए कथनचित वस्त्र वह शुभ्रता नहीं है और शुभ्रता वह वस्त्र नहीं है। कथनचित शब्द भी याद रखना, नहीं हो तो वस्त्र की भांति शुभ्रता भी जीव नाक इत्यादि सर्व इंद्रियों से ज्ञात होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए वस्त्र और शुभ्रता में अपृथकत्व होने पर भी अन्यत्व है, ठीक। वस्त्र और शुभ्रता मतलब जो एक उसका गुण ले लिया, सफेदी बने को उसका गुण के रूप में लिया, और वस्त्र वो वस्त्र में और सफेदी में कुछ अपृथकपना, कुछ पृथकपना है तो पृथकपना नहीं है अर्थात अपृथकत्व है, लेकिन अपृथकत्व होने पर भी दोनों में किसी प्रकार की भिन्नता तो है, भले ही प्रदेश भिन्नता ना हो लेकिन फिर भी कोई ना कोई भिन्नता तो है, ठीक है। और वो हो गई उसका स्वरूप भेद, ठीक है। इसी प्रकार द्रव्य में और सत्ता आदि गुणों में, ठीक, प्रवचन सार जी में यहाँ पे सत्ता को या सत्व को गुण के रूप में लिया, अस्तित्व को गुण के रूप में लिया, ठीक है। इसी प्रकार द्रव्य में और सत्ता आदि गुणों में होने पर भी अन्यत्व है, क्योंकि द्रव्य के और गुण के प्रदेश अभिन्न होने पर भी द्रव्य में और गुण में संज्ञा संख्या लक्षण आदि भेद होने से कथनचित द्रव्य गुण रूप नहीं है और गुण द्रव्य रूप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई कि द्रव्य और गुण में, ठीक है, द्रव्य और पर्याय में भी ले सकते हो, तो इनमें अपृथकत्व भी है और अन्यत्व भी है।
ठीक है। और इसका कारण क्या है कि संज्ञा संज्ञा लक्षण आदि आदि के कारण से ये उस मतलब द्रव्य गुण रूपनीय, पर्याय रूपनीय, पर्याय द्रव्य रूपनीय, पर्याय गुण रूपनीय, ये आप सभी में लगा सकते हैं। इनमें एक गुण का दूसरे गुण में भी अतद्भाव सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। हेलो, हाँ पर्याय में द्रव्य में तद्भाव होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा। होगा हाँ, क्योंकि देखो जिनमें भिन्न प्रदेशत्व नहीं है, क्योंकि भिन्न प्रदेशत्व नहीं है तो पृथकत्व तो नहीं है, ये तो पक्की बात हो गई। क्योंकि हाँ पृथकत्व तभी होगा जब अलग प्रदेश हो, तो पर्याय के और द्रव्य के प्रदेश तो अलग अलग नहीं है, वो तो एक ही प्रदेश में एक ही वस्तु में हो रहा है ना। द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु में एक ही वस्तु में है, तो फिर वहां पे अन्यत्व ही घटित होता है। नहीं, जैसे द्रव्य गुण तो है, मतलब स्वभाव नित्य है, हमेशा बने रहते हैं, पर्याय परिणमन करती ना, स्वभावगत वो अलग हो गई। ठीक है ना, इसीलिए तो दोनों में दो अलग अलग चीजें बता रहे हैं ना हम। अन्यत्व कह के यही तो कह रहे हैं कि दो अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें, हाँ अलग वस्तु नहीं है। वस्तु तो एक शब्द अच्छा नहीं बेटा, दोनों का अलग अलग स्वरूप है। भले ही दोनों एक ही वस्तु में पाई जाने वाली चीज एक ही वस्तु है, मतलब आप समझो कि दोनों एक ही वस्तु में पाए जा रहे हैं, एक ही वस्तु है, दो वस्तुएं भी नहीं है, तो एक वस्तु होने पर भी उन दोनों का स्वरूप भेद है। हाँ, हाँ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, अलग अलग गुण है, इस तरह से कह सकते हैं। एक द्रव्य है और उसके अलग अलग गुण है, और उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट, एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब उनमें कुछ, अंतर, ठीक हाँ है। अंतर हाँ है। ठीक है, लो, थोड़ा आगे और आएगी इसकी चर्चा, पढ़ने में आएगा अच्छे। मतलब कोई अपन वो शब्द नहीं चुन पा रहे किन शब्दों को बोला जाए। बाकी भाव तो ख्याल में आ रहा कि द्रव्य में, गुण में, पर्याय में किस प्रकार का अंतर है। पृथकत्व वाला अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। और अंतर भी ऐसा है कि कोई वस्तु अलग अलग है, ऐसा अंतर नहीं है। एक ही वस्तु में भाव भेद है, द्रव्य भेद नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आप ठीक अलग अलग से देखो, देखो यदि हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अलग अलग अपेक्षा से देखें तो द्रव्य भेद नहीं है, ठीक है, क्षेत्र भेद नहीं है। अब काल भेद में देखेंगे तो द्रव्य में और गुण में तो काल भेद भी नहीं है, जबकि द्रव्य में और पर्याय में काल भेद भी है। और भाव भेद में देखें तो भाव भेद तो है ही, द्रव्य में गुण में भी भाव भेद है, द्रव्य में पर्याय में भी भाव भेद, ये अच्छा है। आप जिसमें भी अंतर देख रहे हो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अंतर देखो, संज्ञा संख्या लक्षण आदि की अपेक्षा से अंतर देखो। तो यही हमारे वो है चतुष्टय, और ये संज्ञा संख्या लक्षण आदि ये पैमाने, तो इनकी अपेक्षा से देखो अंतर स्थापित होता है नहीं। तो पृथकत्व तब स्थापित होगा जब द्रव्य भेद हो, तो द्रव्य भेद तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर इसीलिए वहां पे पृथकत्व स्थापित नहीं होता। काल भेद भाव भेद पर्याय में घटित होता है, ठीक है। और भाव भेद ओनली भाव भेद गुणों से भी घटित हो जाता है, ठीक है। चलो देखो आगे पढ़ते हैं। अतः सर्वथा भाव रूप नहीं होता, इस बात को प्रवचन सार गाथा 108 में स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार जम दबम तमना गुणों जो भी गुणों सोना तच्च मत था दो ऐसो ही अतब भावो णेव अभावोत्ति निडिट्ठो। देखो क्या कह रहे हैं कि स्वरूप अपेक्षा से दो हमको, स्वरूप जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, ये अतद्भाव कर देता हूं। स्वरूप अपेक्षा से जो गुण है वह द्रव्य, जो द्रव्य वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, इस ये अतद्भाव। सर्वथा अभाव वह तत् नहीं है, ऐसा वीर कहा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक द्रव्य के भीतर किए गए गुण गुणी आदि भेद
दो द्रव्यों के अभाव रूप न होकर अतत भाव रूप होते हैं, यह कथन आगम अनुसार ही है। देखो मैं एक गलती कर रहा था क्वेश्चन को पढ़ने में, जो अभी मुझे क्लियर हुई कि देखो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए गुण भेद आदि भेद दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभाव रूप होकर अतत भाव रूप होते हैं। तो एक अपेक्षा से देखो तो कोई गलती नहीं है, एक अपेक्षा से देखो तो यहाँ पे अभाव शब्द का अर्थ ले रहे हैं, उस अपेक्षा से थोड़ा अर्थ गलत हो रहा था। वैसे अभाव अतत भाव भी एक तरह का अभाव ही है, और उसका संधि विच्छेद हुए तो वही आएगा अतत और अभाव। एक मिनट, भाव, हाँ सॉरी, अतत भाव का अतद भाव, ठीक है, अतद प्लस भाव, तो अ मतलब नहीं, तद भाव मतलब उस भाव रूप नहीं होना, ठीक है। अतद भाव का संधि विच्छेद भी यही होगा, अ प्लस तद प्लस भाव, तो उस भाव रूप अ मतलब नहीं होना, और अभाव मतलब उस अभाव मतलब भी उस रूप नहीं होना, अभाव रूप। तो वैसे देखो तो अतद भाव भी एक तरह का अभाव ही है, लेकिन यहाँ पे जो अभाव ले रहे हैं वैसा नहीं लेना, मतलब यहाँ अभाव का अर्थ आप सर्वथा भाव समझ सकते हो। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में जो अभाव है वो तो सर्वथा भाव रूप है। इस गाथा में स्पष्ट किया कि अतद भाव का अर्थ सर्वथा भाव मत लेना, ठीक है, मतलब जो अभाव मतलब पूरी तरह से अभाव वैसा अभाव नहीं लेना, अतद भाव का अर्थ उस स्वरूप नहीं होना, उसका नाम है अतद भाव, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक द्रव्य के भीतर किए गए गुण गुणी आदि भेद दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभाव रूप न होकर अतद भाव होते हैं, धन आगम अनुसार ही है। तो ये सेंटेंस के लिए मैंने वो डिफरेंस बताया आपको पढ़ने में कि दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभाव रूप ना होकर, ठीक है, अतद भाव रूप होते हैं, ठीक है। ये तो ये अभाव रूप और अतद भाव रूप के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा, वैसे देखो तो अभाव का ही भेद है अतद भाव भी, लेकिन फिर भी यहाँ डिफरेंस हमको समझना। पदों का आगे इसको डेफिनेशन के फॉर्म में रख रहे हैं दोनों को, पृथकत्व को और अन्यत्व। दो द्रव्यों के बीच जो अभाव है उसे भिन्नत्व या पृथकत्व कहते हैं, तथा एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर गुण का गुणी में अभाव या गुणी का गुण में अभाव, अथवा एक गुण का दूसरे गुण में अभाव इत्यादि रूप जो अभाव होता है उसे अन्यत्व कहते हैं। तो एग्जाम्पल दे दिए तीन चार आपको कि एक द्रव्य में गुण का गुणी से, गुणी का गुण से, एक गुण का दूसरे गुण में, इत्यादि में पर्याय कभी लगा लेना तो वो सब अन्यत्व में शामिल हो जाते हैं। अन्य अन्य होना अन्यत्व है, क्या बता रहे, अन्य अन्य होना अन्यत्व है और पृथक पृथक होना पृथकत्व है। अन्यत्व का विलोम अनन्यत्व है और पृथकत्व का विलोम अपृथकत्व है। दो द्रव्य परस्पर पृथक पृथक होते हैं पर एक द्रव्य के दो गुण या गुण गुणी आदि अन्य अन्य होते हैं पृथक पृथक नहीं, क्योंकि एक रूप होने से वे हैं तो अपृथक ही। कि भाई एक द्रव्य में जो भी पाया जाता है वो भले ही अन्य अन्य रूप हो लेकिन वो उस द्रव्य रूप ही रहेगा, इसीलिए अपृथक है, मतलब उनमें अपृथकपना ही रहेगा क्योंकि वो है एक द्रव्य रूप ही, भिन्न द्रव्य में तो पृथकत्व हो जाएगा। और दो द्रव्य कभी भी अपृथक नहीं हो सकते, मतलब दो द्रव्य में अन्य अन्य पना नहीं, दो द्रव्य में पृथक पना होता है, वो कभी अपृथक नहीं हो पाएंगे। संयोग आदि देखकर उनके बीच जो अपृथकता या एकता बताई जाती है वह आरोपित होती है, अतः उसे विषय बनाने वाला नैवी असद्भूत कहलाता है। तो जैसे शरीर और आत्मा एक क्षेत्र में होने पर उसमें जो एकता बताई जा रही है वो असद्भूत है, वास्तविकता में एकता हुई नहीं,
क्यों? क्योंकि वो दो द्रव्य है, एक जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य, उन दो द्रव्य में कभी भी एकता नहीं हो सकती, कभी भी अपृथक नहीं हो सकते वो। लेकिन बताई गई तो वो समझो कि वो आरोपित है, आरोपित होने के कारण से असद्भूत है। हमने एक चीज और पढ़ी थी जब उपचरित असद्भूत व्यवहार ने पढ़ रहे थे, तब वहां पे एक शब्द आया था कि जहाँ उपचार का भी, उपचार में भी उपचार किया, तो वहां क्या समझना था कि वहां असद्भूत स्वयं ही उपचार है। अब जब उपचरित असद्भूत हो तो वहां उपचार का भी उपचार है। तो यही यहाँ पे समझो कि दो द्रव्यों में संयोग आदि देखकर जब एकता बताई तो वो आरोपित है, उपचरित है, वास्तविकता में वहां पे किसी भी रूप में एकता। देखते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की पर से पृथकता अर्थात भिन्नता और अपने से अर्थकता अभिन्नता एकता ही वास्तविक है के अधिक निकट है। यही कारण है कि आचार्य कुंद समय सार के आरंभ में ही एकत्व तो आत्मा की अपने संपूर्ण वैभव से उसे ही दिखाने तम एकत्व विहत्तम वायम अपनो सभी, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाता हूँ। पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही परम पदार्थ है, परमार्थ है। आत्मा का पर से एकत्व असद्भूत व्यवहार ने का विषय है, में अन्यत्व सद्भूत व्यवहार ने की सीमा में आ जाता है। निज से एकत्व और पर से विभक्त आत्मा निश्चय का विषय है। देखो एकत्व असद्भूत व्यवहार अपने में ही अन्यत्व अन्य अन्य पना स्थापित करना मतलब भेद करना, तो सद्भूत व्यवहार ने का विषय हो जाता है। निज में एकत्व करना अन्यत्व की जगह और पर विभक्त करना, तो ये काम हो जाएगा निश्चय का। तो जो काम व्यवहार कर रहे उल्टा हो गया ना, व्यवहार पर से एकत्व कर रहा है तो यहाँ पर से विभक्त होगा, और व्यवहार अपने में अन्यत्व कर रहा है तो यहाँ अपने में अन्यत्व की जगह अपने में एकत्व किया जाएगा। तो ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। सद्भूत और असद्भूत दोनों ही व्यवहार ने ही है, क्योंकि सद्भूत व्यवहार ने अतत भाव के आधार पर द्रव्य की एकता को खंडित करना प्रतीत होता है, और असद्भूत व्यवहार ने उपचार के सहारे विभक्तता को दिखाई देता है। यही कारण समय सार की पांचवी गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप बताने की प्रतिज्ञा करने के तत्काल बाद ही छठवीं और सातवीं गाथा में चारों ही प्रकार के व्यवहार का निषेध करते दिखाई देते हैं। तो छठवीं गाथा में आप देखो तो छठी और सातवीं गाथा दोनों को ले लो तो उसमें सभी प्रकार के व्यवहार आ जाएंगे। सभी प्रकार के व्यवहार कैसे आ जाएंगे कि वैसे देखो तो असद्भूत व्यवहार की बात वहां पे नहीं ली छठी और सातवीं गाथा में, ली तो उन्होंने सद्भूत व्यवहार की बात ही है। क्यों? क्योंकि प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञाय भाव है तो जो वो तो बात हो गई एक तरह से सद्भूत व्यवहार की बात है ना, क्योंकि प्रमत्त और अप्रमत्त तो जीव की पर्याय की बात है, और फिर चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, तो जो सातवीं गाथा में लिया तो ये भी गुण भेद है, तो एक में पर्याय भेद को लिया एक में गुण भेद को लिया, तो देखो तो सद्भूत व्यवहार की बात है। लेकिन जहाँ पे सद्भूत व्यवहार का निषेध किया जा रहा हो वहां सद्भूत व्यवहार का निषेध पहले से ही समझना, उस अपेक्षा से यहाँ पे बात ली कि छठी और सातवीं गाथा में चारों ही प्रकार के व्यवहार का निषेध करते दिखाई देते हैं। वैसे देखो तो तीसरी गाथा की टीका में जो आता है कि पर द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता, तो वो सब एक असद्भूत व्यवहार का निषेध भी हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पढ़, मैं इस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आज एक मिनट कौन कौन है ये देखो स्क्रीन शेयर अभी हो रही है क्या? मैंने मैसेज अभी पढ़ा। हाँ आ गई थी दिक्कत थोड़ी सी, तो कभी आए तो क्या होता है कि मुझे मैसेज पढ़ने में नहीं आ पाता है क्योंकि मेरे सामने
या तो मुझे मैसेज पढ़ने के लिए कहीं और से लॉगिन दोबारा करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन रहती है तो मैसेज नहीं दिखता मुझे। तो यदि आपको कोई बात हो तो बोल दिया करो, ठीक है? तो हाँ ठीक है, चलो। मैं सोच रहा था आज एक प्रश्न पढ़ने का, तो एक पार्ट पढ़ लेते हैं। हैं पहले एक प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए, पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही परम पदार्थ है, परमार्थ कहने का विषय भी है, ठीक है, जो समय सार का मूल विषय है। उसे ही बताने की प्रतिज्ञा सर्वश्रेष्ठ दिगंबर आचार्य कुंद कुंद समय सार के आरंभ में करते हैं, वही एक सार है और सब असार है। इस एक आत्मा के ही अवलोकन का नाम सम्यक दर्शन है, इसे ही जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और इसी में जम जाने रम जाने का नाम सम्यक चरित है। तो एक ओर तो आप ऐसा कहते हो, और दूसरी ओर ये भगवान है आत्मा के इसी एकत्व विभक्त स्वरूप के विरुद्ध बात करता है, फिर भी उसे इतना विस्तार क्यों दिया जा रहा है, उसे बताया ही क्यों जा रहा है, जिस रास्ते जाना नहीं उसे जानने से भी क्या लाभ है। तो ऐसे प्रश्न हमने जब नए प्रवेश स्टार्टिंग में किया था तो वहां पे भी बात आई थी कि नयों के विकल्प छोड़ना ही है, तो जब नयों के विकल्प छोड़नी है तो फिर उसके निश्चय नए व्यवहार नए द्रव्यार्थिक नए पर्यार्थिक नए, और निश्चय नए में भी जब ये बात आई थी तो निश्चय नए के भी इतने सारे भेद करके आप बताते क्यों, कि जब उनको छोड़ना ही है, कि जितने भी विकल्प हैं इन सबको छोड़ना ही है, और ये व्यवहार ने तो ऐसा है जो जैसा है उसके बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है, कि आना तो है पर से विभक्त और निज में एकत्व रूप, ठीक है, लेकिन ये व्यवहार ने बिल्कुल उल्टा बता रहा है। तो फिर इतना मतलब व्यवहार ऐसा कार्य करने वाला है, इस स्वरूप वाला है, तो फिर भी आप व्यवहार का इतना डिटेल किए जा रहे हो, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि जब वो जैसा व्यवहार कह रहा है उस स्वरूप मानना ही नहीं है, वैसा स्वीकार ही नहीं करना, तो फिर उसे हम जाने क्यों, उसका इतना डिटेल में पढ़े क्यों। तो ये प्रश्न इन्होंने किया। ये भी अपनी पूरी बात उस आंसर में हुई थी जो मोक्षमा प्रकाशक जी के सातवें अधिकार वाला आंसर था, लेकिन इसके उत्तर को हम कल पढ़ेंगे, अब इतने ही रखते हैं। चलिए कोई पार्ट पढ़ लेते हैं, मैं इसमें से ही निकाल देता हूँ, मेरे पास बुक है। ये तो काफी बड़ा है, किसी दिन ऐसा आप याद दिला देना अष्टमी या चतुर्दशी को, तो हमें आत्म संबोधन, ये है काफी बड़ा, 26 छंद है इसमें, 20-25 मिनट लगेंगे, तो वे उस दिन क्लास ना करके ये पढ़ लेंगे, किसी सैटरडे या संडे को भी हम पढ़ सकते हैं, मतलब मैं ही पढ़ूँ जरूरी नहीं, आप में से भी कोई पढ़ सकता है, तो ये आत्म संबोधन हम पढ़ सकते हैं। आज कोई छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। ज्ञानाष्टक ले लेते हैं, समय भी थोड़ा कम है इसलिए, ठीक है। कोई और पढ़ना चाहेगा? कौन कौन है? अतु से आप पढ़ोगे क्या? नहीं भाई, आप ही पढ़ो। निरपेक्ष हूँ कृत कृत मैं, बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायत स्वयं मैं परिपूर्ण हूँ, पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं स्थित प्रभु सदा, निर्बाध अरुणी संत निर्भय परम आनंद मैं सदा, निज लक्ष्य से हूँ सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है,
निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। अमूर्तिक चिन मूर्ति में मंगलमयी गुण धाम, मेरे लिए मुझ सा नहीं सच्चिदानंद अभिराम। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभव मान, प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान। अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार है, स्वानुभव में सहज भासे भाव अपरंपार है। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हो हुआ, ज्ञान में बस ज्ञान भासे ज्ञान भी सम्यक हुआ। भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है, ज्ञान में जीवन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है, नहीं ये कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ ज्ञान है। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा ज्ञान में ही ध्येय है, ज्ञान में ज्ञायक अहो मम ज्ञान में ही गेय है। ज्ञान ही साधन सहज और ज्ञान ही मम साध है, ज्ञान में आराधना शुद्ध ज्ञान ही आराध है। ज्ञान में ध्रुव रूप मेरा ज्ञान में सब परिणम, ज्ञान में ही मुक्ति मुझ में ज्ञान में अनादि निधन। ज्ञान ही है सार जग में शेष सब निसार है, ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। ज्ञान में निज भाव को बस भूलना अपराध है, ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राध है। अज्ञान से मुक्ति है, ज्ञान में संसाधना दुख नाशने की युक्ति है। जो विराधत ज्ञान का सो डूबता मंझ धार है, ज्ञान का आश्रय करे सो होए भव से पार है। यो ज्ञान यो जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञान के अतिरिक्त सब पर भाव का परिहार कर, निज भाव से ही ज्ञान में हो परम आनंदित रहो। होए तन में ज्ञान में अब शीघ्र शिव पद भी धरो, होए तन में ज्ञान में अब शीघ्र शिव पद भी धरो। जिनवाण स्तुति करेंगे। जवाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नमो सुना देते हूँ।